हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ एशिया टेलीकॉम में। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट सेक्शन के बारे में, क्योंकि हमने जो लाइट सेक्शन के बारे में डिफाइन किया है और डे टू डे आपको पूरी लाइन के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी अगर ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो बताने वाला हूँ लाइट सेक्शन हमारा वर्क करता है। लाइट सेक्शन को वर्क करने के लिए किन किन सप्लाइयों को रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डीसी टू डीसी आईसी से हमारा क्या हुआ, 4 वोल्ट पास हुआ। ये हमारा क्या कहाँ पे बीपीएन के लाइन पे, यहाँ से डायरेक्ट हमारा 4 नंबर पिन पे आया, यहाँ से डायरेक्ट हमारा डायोड लगा है, डायोड से रजिस्टर कैपेसिटर से आया, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा, ये आ गया हमारा एलसीडी कनेक्टर पे। एलसीडी कनेक्टर के बाद दोस्तों हमको ग्राउंड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये हमारा हो गया ग्राउंड की सप्लाई। फिर इसके बाद आउटसाइड कैपेसिटर, ये क्यों लगाया जाता है, जैसे हमारे आईसी में अगर ओवर हीटिंग हो रही है, हमारी आईसी ज़्यादा हीट कर रही है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं आउटसाइड एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा आईसी में हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद गाइस हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे एफबी की लाइन। एफबी की लाइन से क्या मतलब होता है, जैसे कभी कभी हम लोग अपने डिस्प्ले को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमारा देखिए डिस्प्ले के जो माइनस प्लस माइनस करते हैं, जैसे ब्राइटनेस आपका कम नहीं होता ना, ये लाइन इसके थ्रू आती है, ये रजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से हमारा क्या होता है लाइन प्रॉपर नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे सब चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट हो जितनी जरूरत है। अभी लास्ट स्टेप हमका क्या है, 1.8 हमको कहाँ से मिलेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे अपना डिस्प्ले जैसे प्लगिंग करेंगे तो वहाँ पे 1.8 जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद ये 1.8 को हम लोग बोलते हैं WPM और CABC, ये CABC की लाइन होती है। यहाँ पे जैसे हम लोग प्लगिंग किए यहाँ पे 1.8 पर जनरेट हो गया, जैसे जनरेट हुआ हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1.8 पाँच नंबर पिन पे आया, पाँच नंबर पिन से डायरेक्ट स्विचिंग हुई, स्विचिंग होने के बाद यहाँ पे 4 नंबर से कॉइल से स्विचिंग होने के बाद डायरेक्ट डायोड पे आया, डायोड से क्या हुआ स्विचिंग होने के बाद डायरेक्टली हमारा क्या हुआ पावर डिस्प्ले में हमारा लाइट ऑन हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपकी हैंड स्किल ही सही नहीं है, अगर आप इस बॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस बॉल का डायग्राम ढूंढ के कर क्या लेंगे। हेलो, तो थ्योरी का मतलब नहीं है, तब तक कि हमारी हैंड स्किल सही ना हो, फिर पर उसके बाद थ्योरी का मतलब पर बहुत है, क्योंकि एक एक रजिस्टर से हमारा सर्किट बंद हो रहा है। हेलो, डुअल डेकर सीपीयू किस किसने रिवोल्व किया, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं आते अधूरे रिवोल्व हुए, परफेक्शन के साथ हुए। दूसरे दिन ही yes, sir. मुझे चैलेंज करके बताओ कि कौन कौन लगा देगा कल लाइव पावर, लाइव पब्लिक को yes, sir. तो हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। ये जोश होना चाहिए ऐसा टेलीकॉम का। थैंक यू वेरी मच। आज आईसी की जो क्लास मिली, बोर्ड को जो पहचानने का तरीका मिला, वो कैसा मिला, बहुत सीपीयू देख के बाकी 70% आईसी बता सकते हैं, कौन कौन बता सकता है भाई, कंटेन है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, सारी चीजें है हमारे पास। अब ये बताओ मेरे को कि 3 दिन में जो हमको मिला, क्या एक 3 साल या 4 साल में मिल सकता था क्या, एक एक चीज हमारे पास पूरी की पूरी कंफर्म चीज है, जो भी चीज हमने बोर्ड पे देखी उसका प्रैक्टिकल किया है कि नहीं। अभी लाइव मेरे साथ में किस किस ने आईसी की डाटा शीट बनाई है, डाटा शीट बनाई, मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, लाइव मोबाइल से आईसी उठा के सर, लाइव मोबाइल से आईसी उठा के। तो मेरे 8 बजे और अभी में कितना अंतर है मुझे बताओ, आपने सुबह के लाइव पावर आईसी निकाल के फोन को चालू किस किसने किया, एक भी जन ऐसा जिसने नहीं किया हो, एक बार एमडी सर के जोरदार ताली बजा दी, ये सारी बातें रहेंगी ऐसी जोरदार सीखेंगे। कल लाइव सीपी कौन कौन करने वाला, चलिए बताओ, एक बार नहीं 4 बार बोलो, हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल सीपी किस किसने लगा के चालू किया, पक्का आप मुझे बताओ, आज बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, हेलो बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड डाउट किस किस के क्लियर हुए, जल्दी बताइए, और अब बताइए बैटरी कनेक्टर को देखने का नजरिया किस किस का बदला है। अगर मैं बात करूं सैमसंग हो या वन प्लस हो या वीवो हो या Xiaomi हो, इस बैटरी कनेक्टर को कौन कौन चेक कर सकता है, लेने के बाद में ये 4-8 लाइनों से चलती है, जिसमें से एक I2S, I2C, रिसेट, इंटरप्टेड, हेलो, तो ये I2C को भी हमने प्रैक्टिकली देखा, हेलो ठीक है, तो हमने देखा सैमसंग के अंदर देखा, हमने लैग वाले देखे, हमने ऑडियो पियो देखे किस तरह से ये चलते हैं और किस तरह से हमारा आउटपुट निकलता है, तो ले देखे टोटल ऑडियो सेक्शन किस किस को समझ में आया, हेलो चलो जाओ प्रैक्टिकल करो। थैंक यू वेरी मच।
जाओ खाना खाओ आराम आराम से। में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको टेक्नीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो अपनी जगह आपके काम की गारंटी। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है ये। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।